हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मोशन फाउंडेशन मैं हूं हूँ ज्योतिमा आपकी बायोलॉजी फैकल्टी तो बच्चों आज हम क्लास सेवेंथ का एन पेपर सॉल्व करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बायो के पार्ट से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो हमारा यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग प्लांट्स इन कॉलम वन विद आंसर इन कॉलम टू तो हमें कॉलम वन कॉलम टू के बीच में सिंपली मैच करना है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया हुआ है और टोटल पैरासिटिक प्लांट तो टोटल पैरासिटिक प्लांट इनमें से कौन सा है कस्क्यूटा डॉडर प्लांट जिसको हम क्या बोलते हैं अमरबेल भी बोलते हैं राइट तो बी के आगे हम इसको मैच कर देते हैं थ्री से ओके तो हम यहां पे लिख देते हैं थ्री ओके देन यहां पर आएगा थ्री ओके देन सेकेंड ऑप्शन देखते हैं लिविंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट

एन इंफेक्टिव प्लांट अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा पिच्चर प्लांट है हमारे पास ऑप्शन बचा है ठीक है पिच्चर प्लांट का नेम और क्या होता है नेपेंथिस तो बस सिंपली अब हमें ये कोड मैच करने हैं हमारा कोड होगा थ्री वन टू एंड फोर सो लेट सी ऑप्शन में हमें कहाँ पे मिल रहा है थ्री वन टू एंड फोर हमें ए ऑप्शन में ही मिल गया तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है राइट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं

तो अब हमको सिलेक्ट करना है एक्स एंड कौन से हो सकते हैं तो यहाँ पे हमें पहले ही कर दिया पोलर रीजन का एनिमल लेना है तो मकाओ वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि मकाओ तो ट्रॉपिक्स में पाई जाएगी ठीक है देन पेंग्विन्स पेंगुइन जरूर पाए जाते हैं पोलर एरियाज में तो ये ऑप्शन हम अभी होल्ड पे रखते हैं देन

स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है लेकिन हमारे पास की वर्ड क्या है पोलर रीजन में पाए जाने चाहिए तो टाइगर्स रीजन में नहीं पाए जाएंगे यहाँ पे इस पोलर बेर्स ही पाए जाएंगे एंड ऑब्वियसली डू हैव अ स्ट्रॉग सेंस ऑफ स्मेल ठीक है तो हमारे यहाँ ऑप्शन क्या होना चाहिए ऑप्शन बी ठीक है ओके तेजस आ गए हैं लाइव तेजस हेलो तेजस बी ऑप्शन बिल्कुल सही बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अनु कंडक्टेड में रहने दिया तो so, अब क्या होगा तो so, हम ऑप्शन देख लेते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है ब्लैक पेपर वाला एक्सपेरिमेंट हम सबा है क्या होगा

ठीक है पॉटेड प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट हम किसमें करते हैं अब वहाँ पे पेपर लगा दिया। तो फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटो नहीं कर पाएगा तो वो स्टार्च वहाँ पे फॉर्म नहीं होगा और फिर हम आयोडीन टेस्ट करते हैं ना आयोडीन की ड्रॉप्स अगर हम वहाँ डालकर देखेंगे तो क्योंकि वहां पे स्टार्च ही नहीं है तो वहां पे जो ब्लू ब्लैक कलर का इंडिकेशन हमें नहीं मिलेगा दिस प्रूव कि लाइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड

तो से अगर उसको लेना है तो हमें सॉइल को डिप्राइव करना पड़ेगा नाइट्रोजन से है ना तो ऐसा कुछ तो इस एक्सपेरिमेंट में नहीं हो रहा था तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है पे, है पे ना देन टू डिटरमाइन इफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बेलजार वाला है ना तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हेलो नमिता रीड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं एंड हमें इन्हें अरेंज करना है ओके okay.

तो so, हमें ये बताना है कि पल्मोनरी आर्ट्री में ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कौन यहाँ पे कौन सा बार शो कर रहा है तो so, हमें यहाँ पे चार बार दे रखे देखो पी क्यू आर एंड एस पी क्यू आर एस और हमें पूछा है कि इनमें से आपको क्या लग रहा है पलमोनरी आर्ट्री का बार कौन सा होगा हमने सब आ, आप अच्छे से जानते बेटा पल्मोनरी आर्ट्रीज एंड एक्सेप्शन आर्ट्रीज क्या करती है

अब हमारे पास ये डायग्राम आ गया है किसका डायग्राम है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का और हमें सिंपली यहाँ पे पी क्यू आर एस यानी इसकी लेबलिंग्स बतानी है है ना पी क्या है यहाँ पे किडनी ओके okay. तो हम यहाँ पे पी के पास लिख देते हैं किडनी ठीक है देन क्यू क्या है यूरेटर्स है ना यूरेटर्स लिख देते हैं देन आर क्या है यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर है ओके okay, तो हम यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर लिख देते हैं एंड एस एस क्या है यूरिथ्रा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूरिथ्रा ओके सिंपली अब हमें इन्हें मैच करना है किडनी यूरेटो यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा लेट्स सी ऑप्शन में क्या क्या है तो किडनी ओके देन यूरेटो यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा ऑप्शन बी में हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

Cotton क्या होगा बेटा? को जब जलाएंगे तो कैसी smell मिलेगी? जब like, like जब आप paper burn करते हैं ना वैसी smell आएगी। तो ये option तो 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 ये नहीं होगा। Then, nylon. Nylon क्या होता है? Synthetic fiber है। तो जब इसे जलाया जाएगा तो ऐसी स्मेल आएगी जैसे प्लास्टिक को जलाया गया है तो दिस विल नॉट बी ऑप्शन देन वुल वुल क्या होता है बेटा वुल हेयर किससे मिलता है हमें शीप का वुल वगैरह है ना तो उनके लिए तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही है तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर अब इसको जलाएंगे तो बर्निंग हेयर की स्मेल आएगी ऑब्वियसली तो आंसर क्या होना चाहिए वुल ठीक है एंड लास्ट में हमें पोलिएस्टर दे रखा है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अगेन ये एक सिंथेटिक फाइबर है इसको जलाने पे भी प्लास्टिक की स्मेल आएगी ठीक है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे वुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ब्लड सेल्स असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि हमें स्मॉल से लार्ज की तरफ इन ब्लड सेल्स को जमाना है ठीक है तो सबसे स्मॉल ब्लड सेल कौन सा होता है इन सब में से प्लेटलेट्स है ना सबसे स्मॉल होंगे प्लेटलेट्स क्योंकि प्लेटलेट्स क्या होते हैं एक्चुअल सेल्स नहीं होते वो सिर्फ क्या होते हैं सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं ठीक है थीके? उसके बाद फिर क्या आएगा आरबीसी एंड सबसे बड़ा कौन से होते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू ठीक है w, WBCs, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें बोल रहे हैं कि प्लेटलेट्स फिर आरबीसी एंड लार्जेस्ट विल बी डब्ल्यू तो हमारा ऑप्शन आंसर हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया ऑप्शन सी

फर्दर ब्रांचेस में इन्हें बोलेंगे हम ठीक है? फिर फिर, फिर ब्रांच होएंगे, राइट? और फिर में जाएंगे इनको क्या बोलेंगे फिर हम कैपिलरीज, फिर हम ये करेगी, है ना? फॉर्म वेन्यूल्स, ठीक है और फिर ये वेन्यूल्स जाकर फॉर्म कर लेंगी लेंगे तो इस तरीके से दे आर कनेक्टिंग आर्टरी टू दिन तो ये ऑप्शन भी सही है देन दे यस हाँ बिकॉज उनको क्या करना है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस परफॉर्म करना है राइट right? तो थिन वॉल्स तो होंगी ही सही तो दे हैव थिन वॉल्स तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है तो हमारा आंसर क्या होगा एंड थ्री तीनों स्टेटमेंट सही है ऑप्शन डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट शोइंग डिफरेंट मोड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो हमें यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिया हुआ है थ्रू लीफ थ्रू रूट एंड थ्रू स्टेम एंड यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू एंड आर

के हमारे पास यहाँ पे जिंजर एग्जाम्पल है तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी तो इसी के साथ हमारे बायो के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं एंड अब नेक्स्ट आपको जैबा मैम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कराएगी ओके थैंक यू एवरीवन

होगी जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा तब आप उसे कहोगे तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा ओके द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी ब्रीज नहीं sea breeze का मतलब है है कि जो एयर उसकी मूवमेंट होनी चाहिए सी टू लैंड ना कि लैंड टू सी तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा ओके okay? जो आपका सी ऑप्शन है बच्चों उसमें दिया हुआ है लैंड ब्रीज लैंड ब्रीज का मतलब है कि यहाँ पे लैंड से लेकर सी में एयर मूव होनी चाहिए यहाँ पे लिख रहा है सी टू लैंड तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है okay, right option है आपका डी डी ऑप्शन क्या कहता है बच्चों हवा की जो मूवमेंट होती है विंड की वो किसकी वजह से होती है अन ईवन की वजह से होती है ऑन अर्थ ओके क्यों होता है ऐसा क्योंकि देखिए सेंटर में क्या है सन है और सन के अराउंड

किया हुआ है टर्मरिक क्या होता है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है बच्चों जो कि न्यूट्रल में और एसिड में आपको येलो कलर देता है बट बेस के कांटेक्ट में आने पर टर्मरिक का कलर कैसा हो जाता है रेड हो जाता है ओके यानी कि जब मम्मा कपड़े धोती है और कपड़ों पे कोई दाग लगा होता है तो उसमें अगर आप साबुन को घिसते हो या फिर अगर आप उस पे टर्मरिक डालते हो है ना तो टर्मरिक डालने से क्या होगा वो रेड हो जाएगा साबुन के कॉन्टेक्ट में आते ही यानी कि जो डर्ट है जो गंदगी है उसमें क्या प्रेजेंट था टर्मरिक प्रेजेंट था और जैसे ही वो बेस के कॉन्टेक्ट में आया तो वो कैसा हो गया रेडिश ब्राउन या रेड कलर का हो गया That means कि y तो हमारा बेस ही होना चाहिए ओके okay? ठीक है वाई क्या सॉरी ये एक्स क्या होना चाहिए हमारा बेस एक्स हमारा बेस होना चाहिए तो इसका मतलब अब हमें यह पता चल गया कि W और Y या तो न्यूट्रल होगा या फिर एसिड होगा ठीक है दोनों में से कोई एक होगा या तो W न्यूट्रल होगा और Y एसिड होगा या फिर W एसिड होगा और Y न्यूट्रल होगा लेकिन सेंटर में तो क्या आना चाहिए X में तो बेस ही आना चाहिए क्लियर है ओके तो बच्चे आंसर कर रहे हैं डी ओके okay. देखते हैं बच्चों देखिए ए ऑप्शन जो है उसमें सेंटर में क्या दिया हुआ है सिट्रिक एसिड दिया हुआ है लेकिन एक्स में तो बेस आना चाहिए तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो बी ऑप्शन है उसमें सेंटर में फिर विनेगर दे दिया विनेगर अगेन आपका एसिड है ओके okay? तो बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा ओके उसके बाद यहाँ पे आपको वॉशिंग सोडा दिया, दिया हुआ है यहाँ पे भी आपको वॉशिंग सोडा दिया हुआ है कि आपका answer या तो C होना चाहिए या फिर आपका आंसर डी होना चाहिए okay? लेकिन अब हमें देखना है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन सॉल्ट कॉमन सॉल्ट क्या है न्यूट्रल है तो ये हो सकता है क्योंकि जो W है वो आपका न्यूट्रल हो सकता है ठीक है न्यूट्रल में भी आपको टर्मरिक येलो ही कलर देगा और यहाँ पे विनेगर यानी कि एसिड दिया हुआ है तो मैं पे एसिड का ए लिख रही हूँ कौन सा कलर मिलेगा येलो ही मिलेगा इसका मतलब सी आपका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ था बच्चों। इसलिए D सही नहीं है विंडो क्लीनर जो होता है उसमें बेस होता है।, है ना तो यहाँ पे दो जगह तो बेस हो नहीं सकता था ना इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिजिकल और केमिकल चेंज पता करने हैं और ये देखना है आपको कि कौन सा चेंज यहाँ पे गलत दिया हुआ है ठीक है एनर्जी फिजिकल चेंज में हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये बिल्कुल सही है और केमिकल चेंज में हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराने के लिए तो ये आपका सही लिखा हुआ है ना बट हमें इनकरेक्ट बताना है ओके okay? उसके बाद न्यू क्या फिजिकल चेंज में तो यहाँ पे फॉर्म तो है, है okay? हो रहा है इसका मतलब सही है. उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोसेस प्रोसेस में दिया हुआ इन रिवर्सिबल और यहाँ पे दिया हुआ है रिवर्सिबल हाँ बिल्कुल हो सकता है जो फिजिकल चेंज है वो इररिवर्सिबल irrevers, irre, हो सकता है और जो केमिकल चेंज है वो रिवर्सिबल हो सकता है लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ही गलत दिया हुआ है देखिए लास्ट ऑप्शन ही आपका सही आंसर है क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था क्योंकि यहाँ पे तो मास चेंज नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे मास चेंज हो रहा है और हम हमेशा मास

विच हीट इज इवॉल्व हीट इवॉल्व हो रही है यहाँ पे क्लियर है ठीक है नेक्स्ट है आपका अ केमिकल चेंज इन विच हीट एंड लाइट प्रोड्यूस यानी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी दैट मींस कि ये हमारा कम्बशन है क्या है ये कम्बशन कम्बशन रिएक्शन होगी तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा ठीक है केमिकल चेंज इन विच साउंड प्रोड्यूस साउंड कब प्रोड्यूस होगा जब एक्सप्लोजन होगा ब्लास्ट होगा ठीक है और लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है अ फिजिकल चेंज इन विच हीट दियाट एब्सॉर्ब हो रही है तो कौन सी रिएक्शन है एंडोथॉमिक रिएक्शन है एंडोथमिक रिएक्शन एंडो ठीक है

फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट था उसमें दिया हुआ था फिजिकल चेंज के बारे में तो देखिए फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट था उसमें लिखा हुआ था फिजिकल चेंज इन विच चाहिए तो कंडेंसेशन में हीट इवॉल्व होती है ये सही ऑप्शन है उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ था ऐसी केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही हो दैट मीनस कि वो कंबशन होना चाहिए तो बर्निंग ऑफ वुड आपका सही है इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा

एच सी ओ थ्री सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट मीन की बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा के रिएक्शन लेमन जूस से करानी है अब लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है ऑब्वियसली लेमन एक सिट्रस तो उसमें तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सी सिक्स एच एट ओ से अब यहाँ पर एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए तो सॉल्ट यहाँ पे बन रहा है एन ए थ्री सी सिक्स एच फाइव प्लस पे वाटर का फॉर्मेशन होता है प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है बी ऑप्शन okay? तो तो में दिया हुआ है तो बी इज द राइट आंसर ओके बाकी के ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि हमारी केमिकल रिएक्शन में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला एक्स आपका वाटर है एंड वाई आपका सीओ टू है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ऑन द द फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ब्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर ठीक है ये हमारी अर्थ है और ये हमारा इक्वेटर है क्लियर इतना अब ये बोल रहा है यहां पे होता है नॉर्थ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होता है साउथ देखिए यहाँ पे आपका होता है साउथ यहाँ पे होता है नॉर्थ ओके तो विंड का मतलब क्या है बच्चों कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब एयर मूव करती है तब हम उसे विंड कहते हैं राइट तो विंड जो है वो ऐसे ही मूव कर रही है और इक्वेटर की तरफ मूव मूव कर रही है क्यों कर रही है क्योंकि जो सन की लाइट आ रही है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ती है इक्वेटर पे पड़ती है और क्यों पड़ती है क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ रही है इक्वेटर पे पड़ रही है सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे है इक्वेटर पे that, that means कि इक्वेटर पे प्रेशर जो है वो कम है तो कम प्रेशर है that means कि जो एयर है वो किधर करेगी हाई प्रेशर प्रेशर लो इसलिए आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इट इज हॉटर इन एंड इक्वेटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में हमारे पास एक्स एंड वाई दो सॉल्ट हैं और वो अलग-अलग टेस्ट ट्यूब्स में लिए गए हैं टेस्ट ट्यूब वन एंड टेस्ट ट्यूब टू ओके उसके बाद हम उसको हीट कर रहे हैं ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा हमने सॉल्ट्स को लिया है और उसको हम हीट कर रहे हैं देखिए ब्लू विट्रियोल जो होता है वो होता है CuSO4 .5H2O ठीक है ब्लू विट्रियोल ब्लू कलर का होता है इसलिए उसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं और वो जिसमें फाइव एच टू वाटर होता है क्लियर है तो देखिए यहाँ पे फाइव एच टू वाटर है इसका मतलब अब आप इस सॉल्ट को हीट कर रहे हो हीट कर रहे हो तो इसमें से सारा पानी उड़ जाएगा ठीक है हीट करते ही क्या हो जाएगा ये सी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें से सारा पानी उड़ जाएगा और ये एच अलग हो जाएगा क्लियर इतना अब देखिए यहाँ पे पहले इसका कलर कैसा था ब्लू था ओके okay? और अब इसका कलर कैसा हो गया है ग्रे टू व्हाइट कलर हो गया है एंड हाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो गया है ग्रे टू व्हाइट ओके okay? अब देखिए ग्रे टू व्हाइट हो गया तो अभी हमने हीट किया था तो ये ग्रे टू व्हाइट हो गया यानी कि इसका कलर चेंज हो गया आगे वो क्या लिख रहा है कि वाटर इज एडेड टू टू टेस्ट ट्यूब अब उसने उन टेस्ट ट्यूब्स में पानी को भी ऐड किया है अब वापस से अगर ये रिएक्शन मैं कराती हूँ ठीक है ये तो हमने वाटर अलग कर लिया वाटर वेपर बन के ये उड़ गया ठीक है अगर ये वा, वापस से इसमें हम ऐड कर देते हैं h2o को है ना तो वापस से ये क्या बन जाएगा वापस से ये ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा तो ये वापस से अपना कलर ले रहा है दैट मींस कि आपका आंसर ए या बी में से ही कोई एक होना चाहिए ठीक है आगे वो बोल रहा है कि सॉल्ट मतलब वापस से वो अपना कलर ले लेगा और फिर वो क्या बोल रहा है कि जो सेकंड वाला है सेकंड केस में क्या होना चाहिए इन केस ऑफ टू हो जाना चाहिए यानी कि इस केस में तो ये क्या होगा वापस से अपना कलर चेंज करके वापस से ब्लू हो जाएगा क्योंकि हम उसमें फिर से पानी ऐड कर देंगे और लाइम स्टोन के केस में क्या होगा देखिए लाइम स्टोन क्या होता है? ए, सी ओ, होता है लाइम स्टोन उसको हीट किया तो का कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ राइट अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बचा हमारे पास क्योंकि CO2 तो उड़ गया ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे अब इसमें अगर आप पानी ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा जैसे ही आप इसमें H2O ऐड तो करोगे तो धीरे-धीरे इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी और यहां पे जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जिसको आप क्या कहते हो वाइट okay? तो वॉशिंग सही है ओके okay? यहाँ पे बेकिंग सोडा था लेकिन यहाँ पे बॉइल नहीं हो रहा वाटर तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा ठीक है यहाँ पे नाइटर लिखा हुआ है नाइटर का मतलब होता है पोटेशियम नाइट्रेट के एन ओ KNO3 को अगर हमने हीट किया तो वो KNO2 प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा यानी कि यहाँ पे तो कंपाउंड ही चेंज हो गया ठीक है अब आप इसमें पानी भी ऐड करोगे तो कुछ और ही बनेगा ठीक है तो यहाँ पे आपका C और D दोनों गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन कम हो गया ठीक है इसलिए आपका A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 ओके okay? आपको बेस दिया हुआ है उसका सोर्स दिया हुआ है आपको ये पता करना है कि कौन सा सोर्स गलत दिया हुआ है कौन से बेस के लिए ओके तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है सी ए ओ एच होल ट्वाइस ओके सी एच होल ट्वाइस मतलब लाइम वाटर बिल्कुल सही दिया हुआ है इसका सोर्स उसके बाद दिया हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन एच फोर ओ एच ठीक है तो इसके लिए विंडो क्लीनर दे रखा है ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है आपको इसका सोर्स भी यही होता है ठीक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच होल ट्वाइस ठीक है लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोर्स क्या विंडो सॉरी वाइट वॉशिंग होता है नहीं अभी अभी हमने वाइट वॉशिंग सीखा था किससे बन रहा था वो कैल्शियम ऑक्साइड से बन रहा था लेकिन यहाँ पे तो व्हाइट वॉशिंग का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कहीं भी मैग्नीशियम नहीं आ रहा इसका मतलब सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है सी ऑप्शन क्या है आपका इनकरेक्ट आपका ऑप्शन है पे यानी कि ये जो बेस है इसका सोर्स ये नहीं है ठीक है लास्ट में दिया हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका सोप में होता है इसलिए ये सही है ओके okay? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही क्वेश्चन है आयरन okay? आर्टिकल पे, पे तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है गैलवे ठीक है उसे क्या कहा जाता है बच्चों गैलवेनाइजेशन कहा जाता है ठीक है तो फर्स्ट के लिए तो क्या हो जाएगा थर्ड यानी पी के लिए आ जाएगा थर्ड तो यहाँ लिख देते हैं हम पी के लिए थर्ड ओके okay? तो ये तो हो जाएगा थर्ड अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आयरन ऑक्साइड दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड आपको कहाँ मिलेगा रस्टिंग में मिलेगा तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट क्योंकि आयरन ऑक्साइड के लिए क्या होता है एफ ई टू ओ थ्री डॉट ठीक है एक्स एच टू ऐसे होता है राइट अब उसके बाद है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर कॉमन सॉल्ट को हम वाटर में ऐड कर रहे हैं मिला रहे हैं जस्ट तो ये क्या है एक फिजिकल चेंज है तो यहाँ पे आ जाएगा फोर ओके एंड लास्ट आपको दिया हुआ है कि जो मिल्क है वो सर हो गया है यानी कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ है इसका मतलब वो एक केमिकल रिएक्शन है तो इसमें आ जाएगा बच्चों सेकंड ओके okay? तो पी में आ जाएगा थर्ड क्यू में आ जाएगा फर्स्ट आर में आ जाएगा फोर देखते हैं पी में आ जाएगा देखिए पी में क्या आ रहा है आपका थर्ड क्यू में फर्स्ट तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका फोर्टी फाइव नंबर का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का जिसमें एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो उसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है वाटर दिया हुआ वा, है इसमें आपको कंपाउंड बना बताना है कि एक्स और वाई क्या होगा ठीक है केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं अपने आप पता चल जाएगा सी प्लस एक्स यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे लाइम स्टोन यानी कि सी ए सी ओ थ्री बन जाए और वाई आ जाए सीए का मतलब कैल्शियम का को कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा यानी कि सी एच होल्ड वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे आएगा प्लस यहाँ पे वाटर रिलीज होगा तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं ओके okay? जो फिजिक्स का पार्ट है वो आपको प्रणव सर करवाएंगे ओके okay, थैंक यू हेलो एवरीवन दिस इज प्रणव शर्मा योर फिजिक्स फैकल्टी आज बच्चों हम हाँ अब यहाँ पे फिजिक्स वाला पार्ट सोल्व करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वुडन बोर्ड एंड दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ बैटरी विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट कनेक्शन हमें बेटा बैटरीज दे रखी है जिन्हें सेल्स uh, दे रखे हैं जिन्हें हमें कनेक्ट करना है ठीक है अब हमें इसमें से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है कलेक्शन कलेक्ट कलेक्शन कौन सा है कलेक्शन कौन सा है वो हमें बताना है तो देखो जब भी हम बेटा बैटरीज को उनको कलेक्ट करते हैं सेल्स को जब कलेक्ट करेंगे बैटरी बनाने के लिए तो हमें पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ता है या फिर आप हर नेगेटिव सेल के नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे तो देखो अगर हम यहाँ पे बनाना है तो मतलब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा या फिर नेगेटिव के नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही है बेटा देखो अगर हम एक ही बात करें तो पॉजिटिव जुड़ रहा है नेगेटिव से देन तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव से जुड़ रहा है तो बेटा तो हो गया फॉल्स आपका ठीक है बी की अगर, अगर आप बात करें तो देखना नेगेटिव जुड़ रहा है पॉजिटिव से फिर नेगेटिव जुड़ रहा है वापस से पॉजिटिव से एंड देन वापस नेगेटिव जुड़ रहा है पॉजिटिव से यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ये हमारी परफेक्ट बैटरी बन रही है एकदम अगर हम सी की बात करें तो देखो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव है और ये यहाँ पे नेगेटिव से जुड़ रहा है देन तो नेगेटिव नेगेटिव वापस नेगेटिव से तो ये भी फॉल्स हो गया और डी भी हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि पॉजिटिव एक साथ इस वाले पॉजिटिव से जुड़ रहा है और साथ में इधर नेगेटिव पे भी आ रहा है तो बेटा ये भी आपका फॉल्स हो गया तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है वेरी गुड तेजस अ बॉय गोइंग टू ए स्कूल विद हिज फादर बाय अ कार नोटेड दैट द ओडोमीटर रीडिंग ऑफ अ कार आफ्टर एवरी फाइव मिनट्स ठीक है बच्चों टिल ही रीच द स्कूल द टेबल गिवन बिलो शो द ओडोमीटर रीडिंग ऑफ हिज जर्नी इफ ही लेफ्ट फॉर द स्कूल एट सेवन थर्टी ए एम

तो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं अच्छा अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं बेटा तो मुझे क्या मिलेगा थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव में से अगर माइनस करूं तो मुझे मिलेगा ट्वेल्व तो डिस्टेंस आएगा मेरे पास ट्वेल्व तो किलोमीटर <coughs> अच्छा बात टाइम की करते हैं टी की तो देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है सेवन थर्टी से हो रही है बेटा और फिनिश कहाँ हो रहा है फिनिश हम हो रहे हैं सेवन फिफ्टी पर यानी कि हमने कितने मिनट राइड करी ट्वेंटी मिनट ठीक है तो देखो ट्वेंटी मिनट्स हमारे पास यहाँ पे आ गया अब हमें बेटा आंसर दे रखा है मीटर पर सेकंड में ठीक है हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे बच्चों पहले हम डिस्टेंस जो हमारी डिस्टेंस है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और जो टाइम है उसको मिनट्स में है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे देन हम हमारा आंसर निकालेंगे तो बच्चे जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो ट्वेल्व किलोमीटर हमारे पास आ जाएगा ट्वेल्व मीटर ओके और ट्वेल्व ट्वेंटी मिनट्स है यानी कि ट्वेंटी अब इनको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ट्वेंटी इंटू सिक्स कितनी आएगी आपकी टेन मीटर पर सेकेंड आप देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है बच्चों समझ में आया <coughs> आपको कुछ नहीं करना था बस स्पीड अपॉन टाइम निकालना था

ठीक है ये हमारे पास टू कप है एक मिनट हमारे पास बेटा यहां पे टू कप्स हैं ठीक है अब देखना हमने क्या करा ये हमारा लेट सपोज ये हमारा वाई है और ये जेड है अब हम क्या हैं बेटा यहाँ है पे हमने क्या करा कैंडल किसके पीछे वाई के नीचे ठीक है तो यानी कि वाई है ये हमने यहां पे बना ली कैंडल ठीक है अब क्या होगा जेड आ रहा है नीचे और वाई जा रहा है ऊपर तो देखो ही कौन सा होगा बेटा cup, y head expand and then become lighter. नहीं बेटा अच्छा दोनों के हैं ये expand नहीं होगा बेटा हो जाएगा यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं रहे अब बात आती है सी की एयर इन दोस देखो बेटा क्या होगा जब हम यहाँ से उसको फ्लेम दे रहे हैं हीट दे रहे हैं तो यहाँ की जो एयर है अंदर की जो एयर है वो कहां से हो जाएगी अपर में हो जाएगी और टोटल इसका, तो ये फिर जाएगा और नहीं बेटा ये भी नहीं होगा जेड का तो हम कुछ कर ही नहीं ऑप्शन डी तो भी गलत होगा आपका ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है तो काफी इजी था एकदम सिंपल क्वेश्चन चलो ट्वेंटी नाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर विकेस्ट इलेक्ट्रो मैगनेट इसमें से सबसे वीकेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सी है तो देखो जब भी बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ देखते देखते हैं है? देखते हैं ठीक है की थिकनेस ये सब हम मेजर करते हैं तो देखो नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे आपकी जो है वो उतनी ही इफेक्टिव होगी स्ट्रॉन्ग होगी बट हमें वीक फाइन करनी है मतलब नंबर ऑफ टर्स कम होने चाहिए तो अगर हम इस टेबल को देखें तो सबसे कम नंबर ऑफ टर्न किस में है एक तो ऑप्शन बी में है और एक ऑप्शन सी में है यानी कि बेटा आपका ए और सी में है तो बी भी आपका फॉल्स हो गया

तो रेस्पेक्टिवली टेन सेंटीमीटर वाली कोयल पे जो 50 टन बनाएंगे ये उससे ज्यादा इफेक्टिव होगी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी काफी ज्यादा होगी ठीक है तो ये लंबी है तो यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम होगा डेंसिटी कम होगी तो सबसे ज्यादा जो विकेस्ट है वो कौन सी आपकी ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट और दूसरी बात आप ऐसे भी फाइन कर सकते हो उसको बीज इक्वस्ट होता है म्यूनोट एन आई पे एन की वैल्यू होती है N L. N बेटा है और एल जो है, वो आपकी है. अगर आप इस में तो देखो जब आप इसमें कम value, आपको एन की किस मिलेगी ऑप्शन सी में ही मिलेगी बाकी मिलेगी ठीक है अगर हम देखें तो फिफ्टी बाय टेन फिफ्टी बाय टेन तो ये मिलेगा हमें फाइव बाकी सब में हमें ज्यादा मिलेगा यहाँ कितना मिलेगा बेटा यहाँ हमें टेन मिलेगा फर्स्ट में फर्स्ट के लिए हमें टेन मिलेगा अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तो सेकेंड में हमें ट्वेंटी मिलेगा अगर हम फोर्थ की बात करेंगे तो यहाँ हमें कितना मिलेगा टेन मिलेगा सबसे तो कम मिला कहाँ सी पे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ मैन वो एट टू किलोमीटर पर आवर फॉर हिज हाउस टू द नाइबरहुड पार्ट फाइव हंड्रेड मीटर अवे ही देन जोक अराउंड द पार्क एट टेन किलोमीटर पर आवर फॉर थर्टी टू कूल

अब हमें कौन सा टाइम काउंट करना है कि वो घर से पार्क कितने टाइम पे पहुंचा और पार्क से घर कितने टाइम पर पहुंचा अच्छा वो तो हमें रखा पर हम फाइंड कर सकते हैं ना कैसे करेंगे फाइंड बच्चों देखना अगर हम बात करें पार्क से घर घर से पार्क कितने टाइम पे पहुंचा तो देखो एस इक्वल्स टू बेटा क्या होता है डी अपॉन टी होता है तो यहाँ से हम टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं डी अपॉन एस लिख सकते हैं अच्छा डी हमें कितना है पता है कितना दे बेटा फाइव हंड्रेड मीटर तो देखो अगर मैं टी वन की बात करूंगा तो फाइव हंड्रेड मीटर तो आ गया हमारे पास अब बात करते हैं स्पीड की बेटा स्पीड किस में दे रखी है किलोमीटर पर आर में दे रखी है हमें किस में फाइन करनी है मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस किस में है बेटा आपकी मीटर में मीटर में है तो देखो क्या करेंगे टू इंटू फाइव अपॉइंट एटीन कर दूंगा <coughs> टू इंटू फाइव अपॉइंट एटीन कर देंगे बेटा ऐसे ही कहते हैं ना मीटर पर सेकंड में चेंज अब अगर मैं इसको सोल्व कर दूँ तो बेटा टीवन कितना आएगा मेरे पास टू नाइन एटीन अगर ऊपर ले जाएगा

फिफ्टीन बाई टेन इंटू फाइव बाई एटीन अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो फाइव टू जै टेन कट करते हैं थ्री फाइव जो फिफ्टीन थ्री सिक्स जै एटीन तो मतलब कितना हुआ पीज हमें यहाँ पे मिलेगा बेटा ट्वेल्व इंटू फाइव हंड्रेड अपॉन फाइव इट मीनस ट्वेल्व हंड्रेड सेकेंड्स तो टी टू कितना मिल जाएगा हमें ट्वेल्व हंड्रेड सेकेंड्स मिल जाएगा बट बच्चों हमें क्या करना था हमें तो टाइम निकालना था देखो मिनट में चल रहा है सारा टाइम तो हम यहाँ पे सेकंड्स में नहीं मिनट की बात करें अगर तो हमारे पास टोटल टाइम कितना हो जाएगा वो हमारे पास हुआ ट्वेल्व हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड मतलब ट्वेंटी वन हंड्रेड सेकेंड्स अब इसको मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा सिक्सटी से डिवाइड कर दूंगा तेजस ए, ए बोल रहे हैं ओके बेटा देखते हैं तो देखो ट्वेंटी वन से अगर मैं करूंगा तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे सिक्सटी से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा टी इज इक्वल्स टू थर्टी फाइव मिनट अब देखो थर्टी मिनट तो पार्क में पहले से था और थर्टी फाइव मिनट हमने उसका कैलकुलेशन टाइम टाइम ट्रेवलिंग टाइम तो मतलब वो टोटल सिक्सटी फाइव मिनट घर से बाहर रहा मतलब वन आर फाइव मिनट अब बच्चों अगर वो घर छोड़ता है साढ़े छः पे तो मतलब कितने बजे घर पे आया एक घंटे पांच मिनट बाद यानी कि साढ़े सात और प्लस फाइव मिनट यानी कि सेवन थर्टी फाइव पे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है बच्चों करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन बी इज करेक्ट सेवन थर्टी फाइव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं बेटा एयर कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होती तो ये तो फॉल्स हो गया बी की बात करें तो हीट फ्लोस फ्रॉम हॉट स्टोन टू द एयर इन द बोतल बिल्कुल सही है बेटा क्योंकि हीट क्या होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूव करती है बोतल के अंदर वो पैक थी तो देखो स्टोन हॉट थे तो उसका टेम्परेचर ज्यादा था आसपास की जो एयर थी होट बोतल में बोतल के अंदर जो एयर थी उसमें क्या था उसका टेम्परेचर कम था तो टेम्परेचर हाई टू लो मूव करा तो एयर भी उसकी गर्म हुई ठीक है

अगर मान लो वाई में भी जाता है जेड में भी जाएगा तो यहाँ से जाता हुआ इस सर्किट पर आएगा जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो ही आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ बेल रिंग होगी है ना ऑप्शन क्या है वाई इज़ नॉट ए इलेक्ट्रिक कंडक्टर वाई कौन सा बेटा हमारे पास देखो वाई इज़ नॉट ए इलेक्ट्रिक कंडक्टर बिल्कुल अगर वाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है तो यहाँ करंट तो आएगा बेटा बट ये करंट थ्रू होता हुआ पास होकर यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा आगे नहीं जा पाएगा तो सर्किट पूरा नहीं होगा और बेल जो है वो नहीं बजेगी ठीक है तो ऑप्शन हमारा जो है वो इज करेक्ट ठीक है बेटा बाकी के गलत होंगे देखो Z is not electric conductor. ये भी भी सही सही हो 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 सकता है कि Z भी electric conductor ना दोनों दोनों में से दोनों सही हो सकते हैं तो अगर सबसे अच्छा most, सबसे अच्छा माने तो वो Y होगा बेटा ठीक है बाकी के दो भी होंगे चलो तो ऑप्शन ए इज करेक्ट थर्टी थ्री बात करते हैं विच ऑफ डज नॉट रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट

ये जो कर्व है बेटा ये कर्व के बता रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बता रहा है ठीक है तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ठीक है बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच फिगर करेक्टली शो द कन्वेक्शन थ्रू द बीकर ऑफ द वाटर व्हेन इट इज हीटेड जब हम बीकर में वाटर हीट करते हैं तो क्या होता है बच्चों देखो एक्चुअली में क्या होता है बेटा Premises, जब हम पानी गर्म कर रहे हैं तो देखो नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ जाता है ठीक है उसका वेट थोड़ा कम हो जाता है वो ऊपर की तरफ चल जाता है डेंसिटी कम हो जाती है और ऊपर वाला कोल्ड वाटर नीचे आ जाता है ठीक है तो देखो क्या हो रहा है यहां पे देखो ध्यान से तो गर्म पानी ऊपर की तरफ जा रहा है यह हॉट वाटर है आपका और तो यहाँ पे देखो कोल्ड वाटर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ठीक है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है बच्चों ये एकदम करेक्ट इसका कन्वेंशन बता रहा है ठीक है तेजस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गिव अ ब्लो इन अ पैराग्राफ विथ सम मिसिंग वर्ड्स हमें पैराग्राफ दे रखा है बेटा जिसको हम मिसिंग वर्ड्स से इसको फुलफिल करना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं अब यहाँ बात करते हैं अन इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स ऑन इफेक्ट ऑफ करंट देखो बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो किस वक्त पे काम करता है वो करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो देखो ऑप्शन नंबर सी और डी में हीटिंग है बाकी में नहीं है तो मतलब ए और बी तो आपके ऑलरेडी फॉल्स हो गए अब हमें क्या ध्यान देना है हमें ध्यान देना है सी और डी में हम सी और डी को लेकर बात करेंगे तो इसमें आ गया हीटिंग यहाँ पे क्या आ गया आपका हीटिंग आ गया द ऑफ द बल्ब इज अप ऑफ देखो द फिलामेंट

गैस भरी होती है, द बल्ब फिल्मेंट फ्रॉम केचिंग देखो अब यहाँ पे क्या करा है? क्या करता है ये ये इसको प्रिवेंट करता है विच प्रिवेंट्स द बल्ब ठीक है तो ऑप्शन आपका कौन सा है डी इज करेक्ट ठीक है बच्चों समझ आया पूरा तो ये था हमारा फिजिक्स का सोल्यूशन नेक्स्ट आपको बताएंगे मैथमेटिक्स का मेट का सोल्यूशन ओके हेलो स्टूडेंट मैं बीके सर फैकल्टी ऑफ मेंटल एबिलिटी आज अपन देखने वाले हैं एन सी का एग्जाम क्लास सेवन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं क्लास सेवन के सॉल्यूशन में आपने बेटा देखा अभी साइंस का पोर्शन अब अपने पास देखने वाले अपन किसका मैट फिर मैथ्स का देखने वाले हैं अपने पास बेटा 56 जो क्वेश्चन है उस 56 क्वेश्चन में देखो आपके पास में क्या है कि 6 पीएम पर आपके पास में uh, 6 पीएम एम दार्स एंड एंड मिनिट हैंड ऑफ एन एंगल क्लॉक आर 180 180 180 डिग्री 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 कितना बेटा बेटा आपके पास में का जो कंडीशन होता है क्लॉक में वो आपके पास में क्या होता है बेटा अपोजिट कंडीशन होता है क्या होता है बेटा अपोजिट पोजिशन यानी कि आपके पास में जो सपोज करो बेटा आपके पास में ये क्लॉक है ये क्लॉक में आपके पास में बेटा कितना हो रहा है बेटा सिक्स ओ क्लॉक हो रहा है तो आपके पास सपोज करो बेटा ये मिनट हैंड है और आपके पास में ये क्या आपके पास में ये हो गया आपके पास बेटा क्या हैंड हो गई और ये आपके पास में क्या होगी बेटा हार्ड हो गई तो यहाँ पे आपके पास में कितना बन रहा है बेटा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है कितना बन रहा है बेटा 180 डिग्री का फिर आपसे बोला बेटा कि कि यानी बेटा इसके बाद में आपके पास में कब 180 डिग्री का एंगल बनने वाला है तो आपको बेटा जब क्लॉक पढ़ाई जाती है तो उसमें बताया जाता है कि आपके पास में बेटा कौन सी कंडीशन आपके पास में फाइव और सेवन की जो कंडीशन होती है इन दोनों के बीच में ओनली वन टाइम आपके पास में अपोजिट कंडीशन आती है और वो आपके पास में कब आते बेटा सिक्स ओ क्लॉक Means, आपके पास बेटा सिक्स के बाद सेवन तक आपके पास में कोई भी अपोजिट एंग अपोजिट पोजिशन नहीं बनने वाले किसकी बेटा मिनिट और मीन्स कब बनेगी बेटा आफ्टर सेवन बनेगी मीन्स आपके पास वन आवर्स हो गया वन आवर्स कंप्लीट हो गया अब आपके पास बेटा कब बनेगी कि आपके पास में जो है आपके पास में बेटा मिनट हैंड है वो तो कहाँ पहुंच चुकी होगी आपके पास में कहाँ पर ट्वेल्व से वन के नियरेस्ट पहुंच चुकी होगी और आपके पास में ये कहाँ पहुंच चुकी है बेटा सेवन से थोड़ा सा आगे होगी मीन्स आपके पास बेटा यहाँ पर वन डिग्री का एंगल बनेगा तो आपके पास में टाइम क्या हो रहा होगा बेटा सेवन और फाइव मिनट के अप्रोक्सीमेट हो रहा होगा बेटा कितना सेवन ओ और फाइव मिनट के अप्रोक्सीमेट हो रहा होगा तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन है बेटा ऐसा कि आपके पास में फोर्टी मिनट नहीं होगा बेटा फिफ्टी फोर नहीं होगा सिक्सटी नहीं होगा क्या होगा बेटा ग्रेटर देन सिक्सटी होगा मीन्स ग्रेटर देन सिक्सटी फाइव होगा सिक्सटी भी नहीं क्यों क्योंकि बेटा आपके पास में फाइव मिनट का आपके पास में ये गैप भी होगा मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में कि the, uh, इसका आपको देखना है आपके पास में वर्टिकल देखेंगे बेटा कि इसमें आपके पास में जो है बेटा यानी कि आपके पास में ये कंप्लीट होना चाहिए बेटा ये कंप्लीट होना चाहिए लाइन होना चाहिए नहीं होना चाहिए और आपके पास बेटा ये जो लाइन है वो यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए यानी बेटा आपके पास में क्रॉस इसमें तो बन रहा है बट आपके पास में जो है बेटा नियरेस्ट बनना चाहिए जबकि यहाँ पर तो यहाँ पर है ये तो ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर भी आपके पास बेटा फोर लाइन नहीं होगा यहाँ पे आपके पास में नहीं होगा तो आपके पास में कौन सा हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नेक्स्ट बेटा आपके पास में क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास में थ्री गर्ल्स है बेटा कौन कौन एक्स वाई जेड ये आपके पास में यहां पर कोई गेम खेल रही है बेटा और उस गेम में इन्होंने ऐसा बेटा ये थ्री टाइम कर रहे हैं कि आपके पास में थ्री टाइम पर टू गर्ल्स तो आपके पास में क्या होना चाहिए बेटा विनर होना चाहिए और वन आपके पास में लूजर होना चाहिए उसके बाद इनके पास क्या कंडीशन है बेटा

किसी और को देती है अपने आप से गिव अप करती है और किन को इन दोनों को देती है तो इन दोनों के पास क्या हो जाता है बेटा डबल हो जाते, है. क्या हो जाते बेटा डबल हो जाता है ईच गर्ल्स लूजर ओनली वन राउंड और एक बेटा हर एक जो गर्ल्स है बेटा यहाँ पे वन टाइम तो क्या होगी बेटा वह लूजर रहेगी या नहीं बेटा वन टाइम तो उनके पास है क्या होगा लॉस होगा बेटा आपके पास में जो है इस क्वेश्चन को यदि बेटा आप एक्स वाई जेड मान के सपोज करो एक्स 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 सपोज करके करते हो तो वो बहुत लंबा हो जाएगा मींस अपन चेक करेंगे बेटा कैसे ऑप्शन है सपोज करो बेटा अपने पास क्या है ये एक्स है ये वाई है और ये अपने पास क्या है जेड है थ्री गर्ल्स है बेटा अपने पास एक्स वाई और जेड मैंने कहा बेटा कि इसके पास कितना था बेटा 65 था इसके पास से निकलेगा और इनके पास डबल हो जाएगा तो इनके पास कितना होगा बेटा 35 प्लस 35 होगा क्या होगा बेटा 35 प्लस 35 होगा नेक्स्ट इसके पास कितना हो जाएगा बेटा 20 प्लस 20 हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 20 प्लस 20 35 प्लस 20 थर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी आपके पास में क्या होगा बेटा फिफ्टी फाइव होगा और फिफ्टी फाइव होगा तो बेटा इसके पास कितना रह जाएगा यहाँ पर टेन हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर टेन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर थर्टी फाइव इसको दे दिया इसने और इसको कितना दे दिया ट्वेंटी मीन्स बेटा यहाँ पर इसके पास सेवेंटी हो चुका है यहाँ पर टेन हो चुका है और यहाँ पर कितना होगा फोर्टी क्योंकि जिसके पास बेटा ज़्यादा होंगे वही तो गिव अप करेंगे फिर यहाँ पे बेटा वाई को अपन क्या करते हैं बेटा लोजर रखते हैं तो ये क्या करेगा बेटा इन दोनों को देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा बेटा टेन यहाँ पर हो जाना चाहिए चाहिए पर पर हो जाना यहां से निकलेगा से निकलेगा बेटा बेटा अब होगा तो तो कितना हो गया? 20 हो गया गया पर आपके पास में क्या हो गया बेटा ट्वेंटी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में बेटा एट्टी हो गया क्या हो गया बेटा आपके पास में यहाँ पर एट्टी अब इस एट्टी वाले के पास में से क्या होगा बेटा यहां पर ट्वेंटी आ जाएगा और यहां पर भी आपके पास में ट्वेंटी हो जाएगा तो यहां पे कितना हो गया बेटा टोटल फोर्टी फोर्टी एंड आल्सो फोर्टी क्या हो गया भाई यहाँ पे बेटा फोर्टी फोर्टी हो गया बेटा इन्होंने यही कहा था कि आपके पास में जो लास्ट में है बेटा वो क्या होना चाहिए फोर्टी 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 होना चाहिए मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर बेटा यदि इसकी इक्वेशन बनाते तो आपके पास में थ्री इक्वेशन बनती और आपके पास में थ्री वेरिएबल बनते उसको सोल्व करना थोड़ा सा टफ होता क्लियर है बेटा नेक्स्ट

तीनों में आपके पास में स्क्वायर और चेक करेंगे बेटा कि इसको यदि तो तो यहां पर पहुंच चुका, चुका है और आपके पास में ये वाला जो स्क्वायर है वो यहां पहुंच चुका है और आपके पास जो लेफ्ट वाला था वो कहां पहुंच चुका है राइट में पहुंच चुका है यानी कि बेटा आपके पास में जो ऑप्शन था ऑप्शन बी था उसमें आपके पास में जो रोटेशन हो रहा है बेटा कितना हो रहा है वन एट्टी डिग्री हुआ मिस आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर सी नहीं होगा बेटा क्यों नहीं होगा क्योंकि इसका आपके पास में लेफ्ट आपके पास में स्क्वायर हो गया और यहां पर राइट right आपके पास में क्या हो गया बेटा स्क्वायर तो ये नहीं होगा सेम एज सेम बेटा यहाँ पे आपके पास में जो डाउन वाले रो है जो लास्ट रो है आपके पास में उन दोनों में आपके पास में लेफ्ट और राइट में क्या है स्क्वायरमेंट ये भी नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है बेटा आपसे बोला गया बेटा स्टेटमेंट क्या है इन इन द मार्केट यानी बेटा जो फ्रूट्स की जो प्राइस है फ्रूट्स की जो कीमत है बेटा वो मार्केट में क्या होगी बेटा उछाल आई उसमें यानी कि आपके पास में इनडायरेक्टली बोला जाए तो क्या है बेटा कि जो फलों की बेटा फलों की जो कीमत है उसमें क्या हो गई है उनकी जो कीमत है वो आसमान छू रही है उनकी कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है क्या आप इसका रिजल्ट निकाल पाओगे बेटा कि फ्रूट्स आर बिकमिंग अ रेयर कम्यूडिटी यानी कि बेटा क्या आपके पास में जो फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन है बेटा वो कम हुआ इस कारण से हाँ बिल्कुल ये तो करेक्ट है क्योंकि बेटा उनकी जो प्राइस है उसमें राइज हुआ है तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा कि उसका जो प्रोडक्शन होगा वो क्या रहा होगा कम रहा होगा मीन्स ये तो आपके पास में फॉलो करता है सेकेंड आपके पास में क्या बेटा देयर हैड लेस रेन अफेक्टेड देयर एग्रीकल्चर सेक्टर इन्होंने कहा है बेटा कि आपके पास में ये क्या हो, आ, क्या हुआ बेटा कि बारिश कम हुई लेस रेन हुई उसके कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हुआ बेटा अफेक्ट हुआ बिल्कुल हुआ है बट आप, आपके पास में स्टेटमेंट में ये नहीं बोला बेटा कि फ्रूट्स में हुआ है किसमें हुआ फ्रूट्स में हुआ है ऐसा नहीं बोला है तेजस यहां पर दोनों फॉलो नहीं करेंगे बेटा ओनली ऑप्शन ए फॉलो करेगा ऑप्शन ए फॉलो करेगा बेटा सॉरी कंक्लूजन ए फॉलो करेगा बी वाला फॉलो नहीं करेगा उसका रीजन ये है बेटा कि आपके पास में जो सेकंड कंक्लूजन है उसमें क्या बेटा पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के बारे में बोला है पर्टिकुलर नहीं बोला कि फ्रूट्स के बारे में अपने को कभी भी कंक्लूजन निकालना है बेटा तो किस पे डिपेंड होना है अपने स्टेटमेंट पर यानी कि अपना स्टेटमेंट को देखते हुए ही अपने को क्या निकालना है बेटा इसका कंक्लूजन निकालना है ठीक है थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट आपको बेटा सॉल्यूशन मिलने वाला है मैथमेटिक्स का हेलो स्टूडेंट्स तो बच्चों कैसे हैं आप सब आपको देखा आपने कितने सारे सॉल्यूशंस हमने कर चुके हैं तो आपने चेक किए अपने आंसर्स चलिए अब अपन मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं सो so, क्वेश्चंस हमारे पास बहुत इजी इजी हैं आपने आई थिंक कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन बट फिर भी देखिए तो क्वेश्चन नंबर वन इज इफ आपको एक यहाँ पर इक्वेशन गिवन है मीन यहाँ पर काफी सारी वैल्यूज है फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है हमें क्या करना है इनको सिंप्लीफाई करना देखो तो सिंप्लीफाई करना तो अभी ये गलती मत करना सबको मल्टीप्लाई करो स्मार्टली वर्क करेंगे कैसे देखो तो से ये कैंसिल हो जाएगा

ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन में आई थिंक बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ठीक है बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि वो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे देन फिर इसके बाद ऐड करेंगे ठीक है तो चलिए तेजस तेजस अच्छा तेजस आपने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है बड़ा अच्छा आंसर है इसका तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री क्यूब प्लस थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव क्यूब प्लस माइनस क्यूब और उसको मैं इस तरह से लिख सकती माइनस देखो एक साथ ही लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा फोर हंड्रेड सिक्स अब ये क्या फॉर्म हो गया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस थ्री ए बी सी ये बनेगा तो इसका फॉर्मूला सब बहुत अच्छे से जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये हमारे किसी काम का नहीं है हमें से यहाँ पे हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा थ्री हंड्रेड फोर्टी माइनस फोर हंड्रेड सिक्स रखना है,

Is equal to 176 2 22 7 r is equal to 176 हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है एरिया के लिए पहले रेडियस फाइंड आउट होना कंपलसरी है तो क्या यहाँ से कुछ सिंपलीफाई हो जाएगा ये कट हो जाएगा एट टाइम 2 से ये कट हो जाएगा कितने टाइम हो जाएगा देखो 4 टाइम r आ जाएगा हमारे पास 28 रेडियस आ गई एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर मी 22 by 7 r स्क्वायर कितना हो जाएगा 28 multiply, 28 7 से कट हो जाएगा

माइनस फिर 88 को आपने टू से किया तो काफी सारे वेज हमारे पास होते हैं इनको सॉल्व करने आउट तो right करना है अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा सा वापस से ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इन दोनों को ध्यान से देखो सॉल्व करेंगे तो माइनस वन बनेगा इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस वन बनेगा इन दोनों को सोल्व किया माइनस वन तो सिमिलरली माइनस वन ही फॉर्म हो रहा है अगर मैं इन दोनों को सोल्व करू तो माइनस सॉरी इन दोनों को अगर मैं सोल्व करू तो माइनस वन और इन दोनों को सोल्व करू तो माइनस वन और प्लस फिफ्टी वन तो हमारे पास बच रहा है तो टोटल मेरे पास 50 है क्लियर यहाँ पर टू टू के पैर बन रहे हैं। तो कितने माइनस वन आ जाएंगे माइनस ट्वेंटी फाइव होगा या नहीं होगा सबको अगर मैं ऐड करूंगी हो जाएगा प्लस फिफ्टी वन मेरे पास रिमाइनिंग है सो कितना हो गया ट्वेंटी सिक्स सो ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके बात आगे समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब ये तो आई थिंक इजीएस्ट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं कुछ नहीं करना बस हमें ग्राफ देखना है क्वेश्चन आपको गिवन है so best? Best है है सो वाज द बेस्ट 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 किसकी के लिए देखो सबसे हाईएस्ट ग्राफ किसका यहाँ पर लिखा है कि नंदन का ग्राफ है तो इसके लिए इसके सामने देखो कितने आ रहे सिक्स हंड्रेड तो नेम हमें पता है तो नंदन का है ऑप्शन इज द राइट आंसर क्लियर देखो कितने इजी इजी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं बस थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन और हमारे माइंड को थोड़ा ना ओपन रखना पड़ता है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था तो आप उसमें अगर मल्टीप्लाई करते तो कॉम्प्लिकेशन होती तो है यूज कर लिया तो हमारे लिए वो ईजी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है हम क्या करते हैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सेवन थ्री जर होता है ट्वेंटी सिक्स बाय सेवन प्लस यहाँ पर अपने पास बन जाएगा इलेवन फाइव जर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये बन जाएगा मल्टीप्लाई इसको अपन सॉल्व करेंगे देखो तो मैम डिवाइड है आपने मल्टीप्लाई क्यों क्या मैं इसको यहाँ पर रेसिप्रोकल भी कर सकती या नहीं कर सकती कर सकते हैं तो 22 को 8 से मल्टीप्लाई किया 176 हमारे पास बन जाएगा तो सो 9189 फॉर्म हो जाएगा माइनस 50 बाय 7 मल्टीप्लाई uh, 77 बाय 10 क्या यहाँ पर बहुत कुछ सिंपलीफाई हो रहा है बिल्कुल हो रहा है ये कट हो जाएगा टू टाइम ये इससे कट हो जाएगा थ्री टाइम

नॉर्मल सी एडिशन सब्ट्रेक्शन है तो देखो सेवन थ्री जर होता है सिक्स थ्री जर एटीन एट वन के और थ्री टू जर सिक्स एंड वन सेवन ठीक है क्योंकि अपन ने थ्री से मल्टीप्लाई किया है प्लस थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेवन टाइम सेवन टू जर टू है यहां पर तो कितना हो जाएगा फोर्टीन और माइनस यहां पर कितना लिखा है फिफ्टी अब जब ट्वेंटी को आप फिफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा अपने पास फाइव ठीक है ये फॉर्म हो जाएगा अब पहले तो आपको देखो ऑप्शन मुझे नहीं लगता है इसके आगे सोल्व करने की नीड है आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे ट्वेंटी वन है तो ऑफकोर्स ये वाला ऑप्शन होगा या नहीं होगा होगा जीरो तो आ नहीं रहा जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर लू तो ये इसके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है इतनी ज्यादा हायर वैल्यू हमारे पास नहीं आई है वन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इन दोनों को सोल्व करने पर ट्वेंटी नहीं आएगा तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर जब अपन इसे सिंप्लीफाई भी करेंगे तो हमारा आंसर यही होगा

इन दोनों का अगर, अगर अपन एड करके डिवाइड बाई टू कर देंगे तो मीडियन हो जाएगा सो अपन ने सबसे पहले यहाँ पर लिखा अब देखो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बात और हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो भी डाटा आपको गिवन है हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं

ट्रांसपोज करेंगे थर्टी आ रही है एक्स so की वैल्यू हमारे पास कितनी फाइंड आउट हो गई फाइव एक्स की वैल्यू फाइव का है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमें क्या करना है यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो मिसिंग नंबर है मिसिंग नंबर मीन जो वेरिएबल है दैट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमेशा हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अब यहां पर x आप, आप चाहे तो वैल्यूसर इक्वल आ रही है या नहीं आ रही या फिर हम उसको नॉर्मल वे में सिंपलीफाई भी कर सकते हैं दोनों में इक्वल टाइम ही आई थिंक कंज्यूम होगा चलिए तो इसको अपन सिंप्लीफाई करते तो बन जाएगा थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस सिक्सटीन जेड अपॉन फोर ठीक है अपॉन फोर विच इज इक्वल टू अब अगर मैं इनको सोल्व uh, करी तो क्या बनेगा सिक्स रिमेनिंग रहेगा देखो माइनस uh, सिक्सटीन है तो बन जाएगा माइनस थर्टीन जेड माइनस फिफ्टीन विच इज इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री नाइन ये टू भी मैं ट्रांसपोज कर दूंगी तो एटीन माइनस टू जेड होगा या नहीं हो जाएगा हो जाएगा क्या मैं जेड वाली वैल्यू को ट्रांसपोज कर लू बिल्कुल अपन कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा माइनस टू इधर आ जाएगा जाएगा तो ये +2Z में कन्वर्ट हो कितना तो Z की आ यहाँ से, -3, -3 नजर आ रहा है क्या रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 10, अब ये तो बहुत इजी है अगर आपको एक, एक उसके आपको मैंने बोल दिया है और आपसे कि इसकी वन साइड बताओ तो आप क्या करेंगे, थ्री करेंगे क्योंकि थ्री ए। की है, तो उसको अपन थ्री से डिवाइड कर देंगे अगर मैं इसे थ्री से डिवाइड करूंगी तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी अपॉन ट्वेंटी सेवन प्लस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा so, देखो ऐसा कहीं नजर आ रहा है क्या ऑप्शन राइट आंसर सेंटीमीटर है तो वो तो ऑफकोर्स रहेगा माइनस वन के ऊपर अच्छा कभी भी पावर ऑड नंबर्स होते हैं ऑड नंबर हम बहुत अच्छे से जानते हैं तो वो माइनस वन ही रहता है तो ये क्या बन जाएगा प्लस वन माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो का है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर Next question की ओर बढ़ते हैं अब यहां पे हमने जैसे में किया था ए क्यूब माइनसूला फॉर्म हो रहा है तो देखो ये क्या बन जाएगा ए की जगह कितना है अपने पास हंड्रेड क्लियर बी की जगह अपने पास कितना है एट्टी एट अब प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा या माइनस वाला तो देखो आपको यहाँ पे माइनस नजर आ रहा है तो क्या फॉर्मूला बनता है ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी फॉर्मूला बनता है हंड्रेड माइनस एटी एट हो जाएगा यहाँ पर क्यूब विच इज इक्वल टू ट्वेल्व क्यूब सो ट्वेल्व क्यूब कितना होता है सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द टाइप और अगर हम सोल्व करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं. मान लीजिए एंगल कितने हो जाएंगे? 8x plus 9x plus 19x, होंगे या नहीं होंगे होंगे विच इज इक्वल टू ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 इनको एड करने पर कितना है? अपने पास थर्टी सिक्स

ये वैल्यू आ गई अब मुझे आप बताइए कि एंगल कौन सा होगा में क्या होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से, right मतलब, मतलब से, मतलब से क्या होती है ज्यादा होती है तो अब आप मुझे बताइए और राइट right एंगल तो आप अच्छे से जानते ही है क्या होता है नाइन्टी डिग्री राइट को हर कोई जानता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्टिज होगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नाइनटी डिग्री से ज्यादा है ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सो इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर की आपको साइड गिवन है आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर सो साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव बाय थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव बाय थ्री सो हो जाएगा सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव जब हम इसे अब देखो ऑप्शन सारे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा सिक्सटी नाइन फोर मल्टीप्लाई yeah, करके, करके देख लेंगे हमारे पास हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है क्या यहां पर है ना बहुत है इतना इसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करे क्या ऐसा क्वेश्चन चलिए हमें देखना क्या है स्केल तो आपको गिवन है

सबसे इजी रहा होगा अगर मैं बाकी सब्जेक्ट से करूं बाकी सब्जेक्ट के बारे में मुझे नहीं पता बट मैथमेटिक्स है और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चन रॉन्ग हुए होंगे ठीक है चलिए तो दो इंटीजर हैं उनका प्रोडक्ट माइनस फोर्टी एट आना चाहिए अगर एक इंटीजर सिक्स है तो देखो पहली बात तो हमें पता है कि दूसरा वाला इंटीजर पॉजिटिव होगा

तो वो दोनों ट्राइंगल या दोनों फिगर आपस में कॉनग्रेंट होते हैं कैसे होते हैं कॉनग्रेंट होते हैं तो सिमिल इनके पढ़ते हैं मतलब है। तो हम कह नहीं सकते क्या पी क्यू आर लार्जर है नहीं पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू डी एफ यस पी क्यू आर डी एफ के कॉन्ग्रेंट होगा यहाँ पे कहा गया नॉट कॉन्ग्रेंट तो नॉट कॉन्ग्रेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि साइज और शेप बिल्कुल सेम है

अब मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो 5a 180 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा uh, 95 ये बन गया 95 डिग्री a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 क्लियर 19 कहीं नजर आ रहा है क्या ये रहा सबसे आगे स्टार्टिंग में ही 19 बैठा था देखो 18 19 कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा मत अप्लाई करना अदरवाइज रॉन्ग हो जाएंगे अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि तो इसका आंसर ट्वेंटी होगा ट्वेंटी तो देखो हर एक क्वेश्चन में है तो हमारा हमारी बात कुछ कुछ तो राइट है यहाँ पर तो सबसे पहले आपको क्या करना है आप डिनिनेटर को सेम बनाइए डिनोमिनेटर जैसे ही सेम आपके पास फॉर्म हो जाएंगे हमें आइडिया लग जाएगा कि न्यूमरेटर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है स्मॉलर नंबर कौन सा है डिनोमिनेटर सेम बनाने के वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे वेज होते हैं सबसे पहले अपन क्या करते हैं देखो यहाँ पर तो सब जितने भी डिनोमिनेटर उनका एलसीएम लेते हैं फिर हम ये कोशिश करते हैं कि उसका एलसीएम बनाने की हम ट्राई करते हैं बट यहाँ तो डायरेक्ट देखते समझ में आ रहा है थर्टी है टेन है फिफ्टीन है ट्वेंटी है अगर मैं यहाँ पे सबकी जगह सिक्सटी बना दूँ सिक्सटी फॉर्म अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा हो जाएगा तो देखो सिक्सटी बनाने के लिए इसको मैं 4 से करूं। मैं लिया उसके बारे और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो so, फिफ्टीन है फोर से मल्टीप्लाई कर दो माइनस फोर्टी फोर बायन में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा माइनस फोर्टी टू अपॉन सिक्सटी क्लियर यहाँ पर देखो 30 है टू से मल्टीप्लाई करो -34 60 यहाँ पर 20 है थ्री से मल्टीप्लाई करो -9 60 अब देखो डिनोमिनेटर सब में सेम है ठीक है 60 है यहाँ पर ये यह. डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को कंपेयर करना तो बहुत इजी वर्क हो जाता है हमारे लिए अब न्यूमरेटर कैसे कंपेयर करेंगे देखो -44 माइनस फोर्टी टू माइनस थर्टी फोर एंड माइनस नाइन तो नेगेटिव के बारे में हम एक बात जानते हैं कि जो नंबर एक्चुअल में अगर रियलिटी में देखें पॉजिटिव वे में जितना बड़, जितनी बड़ी डिजिट होती है नेगेटिव में उसका उल्टा हो जाता है कितना एक तरह से पैरेलल यूनिवर्स चलता है अगर इधर कोई नंबर ग्रेटर है तो अदर वाले यूनिवर्स में वो नंबर क्या हो जाएगा स्मॉलर हो जाएगा सेकेंड यूनिवर्स मीन जो जीरो के बाद वाला यूनिवर्स है तो अब यहाँ पर मुझे बताओ सबसे बिग डिजिट यहाँ पर कौन सी होनी चाहिए पहले हमें अरेंज क्या करना है असेंडिंग असेंडिंग मीन सबसे स्मॉलर सबसे स्मॉलर यहाँ पर ये है। उससे बिग क्या हो जाएगा? माइनस फोर्टी टू है आई तो होप so right आपको समझ में आया होगा कि हमने किया क्या है देखो डिनोमिनेटर सेम बनाओ इजीएस्ट होता है या फिर आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में तो भी कर सकते थे इजी इजी नंबर्स थे सारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एक्स रेशियो वाईक्वल टू थ्री रेशियो फोर एक अब यहाँ से मेरे पास टू ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन अगर तो या नहीं होगी होगी तो ये में इस में पुट कर दूंगी। फिर यहां से बहुत सारी कटेंगी कैंसिल होगा कुछ रेशियो मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा क्लियर अब और एक और वे क्या है मैम डायरेक्ट वे भी हम कर सकते हैं क्या बिल्कुल आप डायरेक्ट कर सकते हो तो एक तो लॉन्ग वे मैंने बता दिया कि एक्स की जगह आप पुट कर दीजिए थ्री वाई की जगह आप पुट कर दीजिए फोर

तो रेशियो क्या हो जाएगा सिक्स रेशियो वन का ही नजर आ रहा है one, ये रहा. Right बढ़ते हैं, देखो हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर लेते हैं लेकिन ईजी क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं अगर मैं आपसे कहूँ इन दोनों एंगल का जो सम है वो मुझे गिवन है टू डिग्री ये भी मुझे कहा है कि ये वाली लाइन इसके पैरल है

अगर इन दोनों का अगर अपन इन इन दोनों दोनों के के सम के बारे में बात करते हैं इन दोनों का कहीं तो तो 65, 65 नजर आ रहा है तो ये जो अपना क्वेश्चन मार्क था ये आ गया 65 डिग्री सो so ऑप्शन कहा है हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके आगे सबको बात समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

और मल्टीप्लाई अपॉन सो से से कट कट हो हो जाएगा time, हो जाएगा टाइम so, टाइम है तो तो पहली बात देखो जब अपन फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे मतलब जब अपन डिवाइड करके मिक्स फ्रिक्शन के फॉर्म में लिखेंगे बनेगा माइनस ठीक है मल्टीप्लाई कर लो फोर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे टू हंड्रेड टू हंड्रेड में टू ऐड करेंगे टू हंड्रेड टू तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर रिजल्ट सेलेक्ट करना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है तो सबसे पहले देखो नेगेटिव पावर सॉल्व करना हमें नहीं आता हम क्या करेंगे उन पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं ये अपन ने लिख लिया यहाँ पर माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा माइनस को मत भूल जाइएगा वन अपॉन टू क्यूब बन जाएगा 3, 4, और यहाँ यह जाएगा मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स ठीक है यहाँ पर एटी नाइन होगा सॉरी एटी वन थ्री थ्री नाइन 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 एटी वन तो एट्टी वन है यहाँ पर अब इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा एट मल्टीप्लाई

मिक्स में इसको ब्रेक करके देखेंगे तो जैसे आप मिक्स में ब्रेक करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर जब ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता क्या? 15 है तो ऑप्शन बी होगा और इसके अलावा भी आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं ये 18, 4 से कितना होता है कितना या नहीं होगा होगा क्लियर चलिए अब क्वेश्चंस हमारे पास रिमेनिंग है देखते हैं अगर आपको क्या करना है के वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब यहाँ पे कुछ इक्वेशन आपको गिवन है अब इसको सोल्व करने के भी टू वे पहला और सबसे इजीएस्ट वे है आप क्या करें यहाँ पे जो जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट करके चेक कर लीजिए अगर मान लो आपके एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ रही है तो के की वैल्यू वही होगी और सेकंड वे हम मैम क्या कर सकते हैं यहाँ पर तो आपको कॉमन लेना होगा एल एच में से आपको कुछ टर्म कॉमन लेनी है जैसे कि मान लो हमें यहाँ पे चाहिए प्लस में चाहिए डिवाइड में सेवन आना चाहिए सो अपन पहले सेवन कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ले, इस तरह से अपन यहाँ पे कुछ टर्म्स कॉमन ले सकते हैं बट सबसे इजी जब है वैल्यू पुट करके तो फिर क्यों हम कॉम्प्लिकेशन हमारे क्रिएट करें ओके so देखो, सबसे देखो, मैंने ले लिया अपन ने फोर एक्स अपॉन सेवन माइनस टू मुझे नहीं पता मैंने रेंडमली वैल्यू चूज है मल्टीप्लाई कर दें माइनस सेवन एक्स स्क्टीप्लाई फोर एक्स बाय से

अब अब ये 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 है 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 तो तो अगर अगर मैं मैं होगी होगी या नहीं हो हो सी बात इन दोनों को मैं इस तरह रहे बिल्कुल कर रहे हैं क्या है। ये दोनों मिलकर मेरे पास एक सर्किल फॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर कितने सर्किल हो जाएंगे टू सर्किल हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा टू मल्टीप्लाई और इसकी कि क्या होती है पाई so, कितना बन जाएगा है? 4, multiply, by r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, 7 से कट हो जाएगा 2 time. 4, 2, 0, 8. 8, multiply, 22. हमारे पास कितना हो जाएगा है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर तो ये था हमारा लास्ट आंसर मतलब लास्ट सॉल्यूशन था कि हमने मैथमेटिक्स के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ठीक है इसका ऑप्शन अपन लिख लेते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 176 सेंटीमीटर क्लियर बच्चों आई होप आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सीखा होगा ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी वो और सॉल्व कर सकते हैं ओके स्टूडेंट तो चलिए अब मिलेंगे अपन अगले ओलंपियाड्स के लेक्चर्स के लिए और अभी अपन कल आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं क्लास सिक्स का सॉल्यूशन तो आप उनमें भी क्लास सिक्स के कोई स्टूडेंट है तो आप उनको बताइए ताकि वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें ओके थैंक यू सो मच एवरी